60 ऑनलाइन वाले हजरात बैठ जाएं, मुतवज्जे हो जाएं। ये जो बेड के ऊपर लेट के लेक्चर ले रहे हैं वो भी बैठ जाएं। मोबाइल के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं तो बेहतर है लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर लिया करें। हाँ, डिवाइस चेंज करने में शायद थोड़ा कॉलेज वाले तंग करें, लेकिन एक दफ़ा तंगी बर्दाश्त कर लें। पेज नंबर किताब का कोई खूबसूरत सा पेज बता दें। 148 है जी पेज नंबर 148। ओके, 147 पे ना एक न्यूमेरिकल हमने किया था, एग्जांपल 6। वो जरा नहीं, सारी निकाल लें वो। ओके, लेट्स स्टार्ट। कभी कभी आना होता है, रोजाना आना होता है, जान चली जाए छुट्टी ना किया करें। एग्जांपल नंबर 7, मोहतरम कल हमने एसेट जो है वो अमोर्टाइज कर दिया था। एग्जांपल 6 में ये एसेट ऐसा था जो 3 लाख डिवाइड बाय 6 और 60% बिजनेस में यूज हो रहा था, और इन द एंड हमने इसको 122 डिवाइड बाय 365 कर दिया था। ये इस वजह से किया था कि मार्च अप्रैल मई जून में ये इस्तेमाल हुआ था। क्लियर? ओके, अब हम इस एसेट को बेचने लगे हैं आज। अगर आप हिम्मत करें तो इस एसेट को आज हम बेचने लगे हैं। कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 6 ऑन जकम सितंबर 15, हमने अमोर्टाइज किया था 30 जून 15 तक। कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 6 ऑन जकम सितंबर 15, यकम सितंबर 15 है, टैक्स ईयर 2016। टैक्स ईयर 2016 में द सॉफ्टवेयर इज सोल्ड फॉर 1,70,000। सॉफ्टवेयर 1,70,000 का बिक गया है। कैलकुलेट गेन लॉस। ये गेन लॉस के साथ लिखने, टैक्स वालों का गेन लॉस होता है, ये अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस नहीं होता वली भाई, ये टैक्स वालों का गेन लॉस होता है। बैठो आप, फिर मैं गेन लॉस निकालना शुरू करूँ। गेन लॉस निकालने का फॉर्मूला बताएं जी। कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV। हिम्मत और हौसला, कंसिडरेशन मुझे बताएं कितनी है एसेट बेच के। 1,70,000। मुझे क्वेश्चन 6 देख के बताएं इसकी कॉस्ट क्या है। 3 लाख। क्वेश्चन 6 देख के बताएं सॉल्यूशन के, इसको कितना अमोर्टाइज हम कर चुके हैं। 100,000 27 30,000। क्या मैं कह सकता हूं कि इसको इतना अमोर्टाइज कर चुके हैं पिछले सालों में? अब हमारा लॉ मेकर कह रहा है कि मोहतरम, मैंने माना कि आप इतना अमोर्टाइज कर चुके हो इसको, लेकिन ऐसा एसेट जो पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा है और वो इनटेंजेबल है, तो बेचने के साल में आपने एक काम करना है, इसको काटो। और एक और काम करो, अमोर्टाइजेशन दोबारा निकालो। हमने कहा अबे निकली हुई है अमोर्टाइजेशन, कहते चुप, दोबारा निकालो। क्या करें? कहते हैं अमोर्टाइजेशन निकालो, दोबारा 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 निकालो अमोर्टाइजेशन। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6, अबे निकली, चुप, निकली हुई अमोर्टाइजेशन, दोबारा निकालो अमोर्टाइजेशन। हमने कहा खुदा का खौफ करो, 60% बिजनेस में यूज हो रहा है। उसने कहा खामोश हो जा वरना, दोबारा निकालो अमोर्टाइजेशन, दोबारा निकालो अमोर्टाइजेशन, 60% किए बगैर दोबारा निकालो अमोर्टाइजेशन। जी जवाब बता दें। 16712 50,000 50,000। ये कहते हैं आपकी अमोर्टाइजेशन है, 3 लाख में से ये माइनस करो। 16712 50,000 और 50,000, ये माइनस करो। हमारी अमोर्टाइजेशन को उसने काट दिया और बेचने के साल में दोबारा अमोर्टाइजेशन निकालने का हुक्म दिया, और दोबारा अमोर्टाइजेशन निकालते हुए ज्यूम किया कि ऐसे पूरा बिजनेस में यूज हो रहा है। ये काम करने के बाद आप बताएं टैक्स वालों की WDV कितनी आ रही है। 1,183,288। आप बता दें टैक्स वालों की नजर में गेन आ रहा है या लॉस, कितना? 13,287। अब आप ऐसा करें, इसका सॉल्यूशन नोट कर लें इसी सफे पे। 13,287, 288 है। एक दफा ज़रा रूल सुन लें। फिक्स्ड एसेट्स जो होते थे ना टेंजेबल्स, उनमें मैंने कुछ और बताया था, मैंने कहा था WDV में डिडक्शंस नॉट अलाउड ऐड कर दें, वो तो टेंजेबल्स थे। इनटेंजेबल्स का रूल डिफरेंट है। इनटेंजेबल्स को जब आप बेचेंगे तो बेचने वाले साल आप अज्यूम करेंगे पिछले सालों में सारा बिजनेस में यूज हुआ है, हालांकि ये झूठ बात है, लेकिन अज्यूम करेंगे पिछले सालों में सारा यूज हुआ बिजनेस में। तो अमोर्टाइजेशन निकली भी को इग्नोर करके दोबारा अमोर्टाइजेशन अनलकीली निकालनी पड़ेगी। चीजें सिंपल होती हैं, उनको सिंपल रख के देखा करें, लॉजिक के पीछे ना जाया करें। लॉ में जैसे चला रहे वैसे चलें।
अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कितनी हुई भी थी, 10027 और 30 और 30, लेकिन जिस वक्त हमने WDV निकालनी है उस वक्त कौन सी वाली अमोर्टाइजेशन माइनस करनी है, प्रोपोर्शनेट वाली, सारी वाली, सारी वाली अमोर्टाइजेशन माइनस करनी है। ओके नेक्स्ट। चलें जी, अच्छा अब आप पेज 147 पे ही रहें। एक तो हमने सवाल सॉल्व किया था कल, वो थी एग्जाम्पल 5, उसमें भी गेन लॉस निकला था। एक हमने सवाल सॉल्व किया आज, वो है एग्जाम्पल 7, उसमें भी गेन लॉस निकला है। अच्छा अब सवाल क्या कहने लगे जी, पॉइंट 9 ए कहने लगे, द WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। हालांकि आप इतने बड़े हो गए हैं लेकिन आपको WDV निकालने का फॉर्मूला बताने लगा है। वेयर द एसेट इज होली यूज फॉर बिजनेस, जहां एसेट पूरा बिजनेस में यूज हो रहा था। एग्जाम्पल 4 वाला जो एसेट था, जिसको हमने एग्जाम्पल 5 में बेचा था, तो कहीं नहीं लिखा हुआ था ये पार्टली बिजनेस में यूज हो रहा है, ये फुली बिजनेस में यूज हो रहा था। याद है, ये फुली बिजनेस में यूज हो रहा था। तो इसमें हमने WDV कैसे निकाली थी, इसमें आपको पता है हमने कोई पंगा नहीं लिया था, हमने यही वाली अमोर्टाइजेशन पकड़ी थी और यहां ला के देखे माइनस कर दी थी, तो इसमें तो हमने कोई पंगा लिया ही नहीं था। तो इसमें WDV हमने कैसे निकाली थी, कॉस्ट माइनस टोटल अमोर्टाइजेशन, तो ये WDV तो हमारी नॉर्मल तरीके से निकाली थी। तो इसलिए एग्जाम्पल 5 तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको कराऊं। इसमें हमने सिंपल किया था द कॉस्ट, यानी WDV इक्वल्स टू द कॉस्ट लेस टोटल अमोर्टाइजेशन। टोटल अमोर्टाइजेशन को अकाउंटिंग वाले अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन कहते हैं और हमने इसका नाम टोटल अमोर्टाइजेशन रख दिया। क्लियर? अच्छा लेकिन एग्जाम्पल 7 क्या कहती है, एग्जाम्पल 7 कहती है वेयर द इंटेंजिबल इज नॉट होली यूज टू डिराइव इनकम। ये एग्जाम्पल 6 वाला सवाल है, 7 में इसकी डिस्पोजल हो रही है। वेयर द इंटेंजिबल इज नॉट होली यूज टू डिराइव इनकम चार्जेबल टू टैक्स, तो क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल लेस अमोर्टाइजेशन, जो माइनस करते अगर इंटेंजिबल सारा यूज होता। हालांकि सारा यूज नहीं हो रहा, लेकिन बेचने के साल में WDV निकालने के लिए आप एज्यूम करेंगे ये सारा बिजनेस में यूज हो रहा है। बेचने के साल में सिर्फ ये असम्पशन लेनी पड़ेगी कि ये सारा बिजनेस में यूज हो रहा है। तो ये एक अजीब सी बात थी जो इनटेंजिबल्स में थी। इनटेंजिबल्स में ना डिस्पोजल की 4 एक्सेप्शंस नहीं है, इनटेंजिबल में डिस्पोजल की सिर्फ एक एक्सेप्शन है। क्या, अगर कभी एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट वाला है तो बेचने के साल में अमोर्टाइजेशन पूरी माइनस करें, सॉरी जितनी रिकॉर्ड होगी वो माइनस करें या होली यूज वाली माइनस करें। अच्छा इट्स ओवर नाउ। पॉइंट बी, द कंसिडरेशन शेल बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 77, वो कभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 77 तो देख लेंगे कंसिडरेशन क्या होती है। अच्छा अपना कल वाले जो चीज़ें हैं उनको लिंक कर लें, एक दफ़ा पिछले सफ़े पे आके ये नोट कर लें। पॉइंट 3 जो है उसकी कल हमने की थी एग्जाम्पल 1 और 2, पॉइंट 4 की हमने की थी कल एग्जाम्पल 3, पॉइंट 5 की कल हमने की थी एग्जाम्पल 6 और पॉइंट 6 की कल हमने की थी एग्जाम्पल 4। ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है ये नोट कर लें। सो डेट वॉज ऑल अबाउट इंटेंजिबल्स। इसकी अब रिवीजन कर लें पेज 199 पे। पेज 199 इंटेंजिबल्स को कौन सा सेक्शन डील करता है, इंटेंजिबल खरीदने के साल में अमोर्टाइज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज, बेचने के साल में अमोर्टाइज नहीं होंगे। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, नो कॉन्सेप्ट ऑफ, और वन एक्सेप्शन है बेचने के साल में, वन एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन भी हमने एग्जाम्पल नंबर 7 में पढ़ी है। कोई भी एसेट, ये सेक्शन 22 का नो तो नहीं होगा,
ये तो सेक्शन 24 का 9 था मेरे ख्याल से, 24 का 9 था। एनी एसेट, कोई भी एसेट जो पूरा बिजनेस में यूज नहीं हो रहा था, उसकी डब्ल्यू, उसकी कंसिडरेशन को नहीं छेड़ना, बीवी को छेड़ना है। द डब्ल्यू डी बी इक्वल्स टू द कॉस्ट लेस अमोर्टाइजेशन डेट वुड बी अलाउड इफ द इंटेंजिबल वॉज, हालांकि होली यूज नहीं हो रहा, लेकिन बेचने के साले नहीं किया जाएगा, होली यूज हो रहा है। तो इसके सिर्फ एक एक्सेप्शन है। टेंजेबल्स की तो कितनी एक्सेप्शन थी, चार थी। उसमें पार्टली बिजनेस, पार्टली प्राइवेट वाले के केस में हम डिडक्शन नॉट लोड ऐड करते थे, और महंगी गाड़ी के केस में ए इन टू बी ओवर सी कंसिडरेशन लेते थे, और बिल्डिंग अगर कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाती थी तो हम एक फार्मूला डब्ल्यू डी बी का एक्सटेंड कर देते थे, और फार्मूला डब्ल्यू डी बी का एक्सटेंड करके कॉस्ट को काटते थे और कंसिडरेशन लिख देते थे। और इधर क्या करते थे, कंसिडरेशन को काटते थे और कॉस्ट लिख देते थे। इसमें मैंने कल कौन कौन से सवाल आपको दिए थे, 7, 8, 7, 7 से लेके 12 तक, तो आज 13, 14 कर लें। ये तो मैं टेंजेबल्स की बात कर रहा हूँ, टेंजेबल्स की। टेंजेबल्स किधर हैं, 144, ये 5, 5, 6 हो गया भाई, 5, 6 भी कर लीजिएगा, 5, 6 कर लीजिएगा। और उसके बाद 7 से लेकर 12 तक हो गए थे, और 5, 6, 13, 14, 5, 6, 13, 14, इसमें कोई मसला आया हो किसी सवाल में, करेंगे तो मसले आएंगे ना, करेंगे नहीं तो मसले, आपको नहीं कर रहा, आप लोग तो कर रहे हैं, जिन्होंने कर रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ, हर बात अपने बिना ले रहे हो, तो करेंगे तो मसले आएंगे ना, करेंगे नहीं तो मसले कहाँ से आएंगे। कुछ समझ जाया करें, आपसे बात नहीं हो रही, आप तो रोजाना का काम रोजाना करने वाले हैं, आप तो टाइम पे आते हैं, आप तो रोजाना आते हैं, आपकी तो टेंशन ही नहीं, टेंशन तो मुझे साथ वाले की आपके। ओके आज बस हम ये छोटे छोटे सेक्शन पढ़ेंगे दो तीन, क्योंकि आज हमें न्यूमेरिकल करना है। सेक्शन 25, 26, 27 बस पढ़ते हैं, 10-15 मिनट लगाते हैं, फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। सेक्शन 25, उसको बुला दो जरा, अब्दुल्ला राजपूत को। सेक्शन 25, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। बिजनेस शुरू करने से पहले ना आपको बिजनेस की फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है, कि इस मार्केट में हम चल सकेंगे या नहीं। सैंपल्स बनाने पड़ते हैं, इन्हें प्रोटोटाइप्स भी कहते हैं, या इनको ट्रायल रन एक्टिविटीज भी कहते हैं। तो बिजनेस शुरू करने से पहले अब्दुल्ला, उस क्लास में जो मैंने न्यूमेरिकल कराया उसकी तस्वीर मुझे सेंड कर दें, किसी बच्चे ने खींची होगी। तो बिजनेस शुरू करने से पहले वाले खर्चों को क्या कहा जाता है, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स। आप कहते हैं जी मैंने बिजनेस शुरू करने से पहले 200 रुपये की फिजिबिलिटी स्टडी की है, 200 रुपये की फिजिबिलिटी स्टडी की है 2010 में। अब लॉ मेकर कहता है कि आप ऐसा करो, इसकी लाइफ मैं आपको दे देता हूं। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को आप इनटेंजिबल टाइप चीज समझो, बिजनेस शुरू करने से पहले का खर्चा इसको इनटेंजिबल टाइप चीज समझो, और 200 रुपये के खर्चे को पकड़ो, ये जो 200 रुपये वाला खर्चा है इसको पकड़ो, और इसको पकड़ के 5 सालों पे स्ट्रेट लाइन बेस पे अमोर्टाइज कर दो, इनटेंजिबल की तरह इसको अमोर्टाइज कर दो। तो 5 साल में स्ट्रेट लाइन बेस पे इनटेंजिबल को क्या कर दिया जाएगा, अमोर्टाइज। नोट कर लो, 2010 में हमने कौन सी स्टडी की, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी करते हुए जिन्होंने फिजिबिलिटी स्टडी करके दी उन्होंने कितने पैसे मांगे, 200 मिलियन। 200 मिलियन का फायदा हमें पता नहीं कितने साल आए, ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन ये इनटेंजिबल का सेक्शन नहीं लगेगा इस पे, इस पे एक सेक्शन लगेगा प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, जो सेक्शन ये कहेगा कि एज्यूम कर लो ये कितने अर्सा इस्तेमाल हुआ है, 5 साल। जी फिजिबिलिटी स्टडी यही, बिजनेस शुरू करने से पहले आप मार्केट का सर्वे करते हो, लोगों से मिलते हो, हमारी प्रोडक्ट यहां बिकेगी नहीं बिकेगी, मार्केट सर्वे टाइप की चीज समझ लो। नहीं वो होता है दो कंपनीज का मिलना, ये होता है नई कंपनी का स्टार्ट होना। चलें जी, नेक्स्ट। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के खर्चे को सीधा सीधा 5 साल पे अमोर्टाइज करेंगे। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट। प्री का मतलब भी बिफोर होता है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस, जो सिर्फ और सिर्फ किस मकसद के लिए किया है, बिजनेस के लिए। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की मिसालें देखें, जैसे इंटेंजिबल्स की मिसालें थी,
पेटेंट, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप तो नहीं, पेटेंट, फॉर्मूला, सॉफ्टवेयर, उसकी मिसालें थी। इसकी भी कुछ मिसालें हैं, फिजिबिलिटी स्टडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप सैंपल्स होते हैं, और ट्रायल प्रोडक्शन भी सैंपल होते हैं, सैंपल बना के चीजों को देखना। अच्छा, अगर बिजनेस शुरू करने से पहले आपने लैंड खरीद ली तो वो भी सेक्शन में आएगी? नो। बिजनेस शुरू करने से पहले आपने कोई प्लांट खरीद लिया, आपने कोई फर्नीचर खरीद लिया, वो भी सेक्शन में आएगा? नो। उसको तो सेक्शन 22 डील करता है। बिजनेस शुरू करने से पहले आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया, क्या वो भी प्री कमेंसमेंट में आएगा? नो, क्योंकि उसको तो सेक्शन 24 डील करता है। तो जिन चीजों को कोई और सेक्शन डील करता है, उन चीजों को ये सेक्शन डील नहीं करेगा। तो क्योंकि जो एसेट डेप्रिशिएट होते हैं और जो अमोर्टाइज होते हैं, इनके ऑलरेडी सेक्शन 22 और सेक्शन 24 इनको डील कर रहे हैं, इसलिए कम से कम ये वाला सेक्शन इनको डील नहीं करेगा। इट शेल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ लैंड, फॉर अ डेप्रिशिएबल एसेट, फॉर अ अमोर्टाइज। ओके, पॉइंट वन और टू को इकट्ठा पढ़ना है, वरना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। अ पर्सन शेल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द रेट ऑफ 20%। अगर बच्चे पॉइंट वन को अलग पढ़ते हैं ना, तो वो समझते हैं प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर फौरन खर्चे में डाल लो। समझे, पॉइंट वन को अलग पढ़ के देखें। अ पर्सन शेल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, इससे शायद लगता है कि 200 रुपए पूरे को फौरन 2010 में ही माइनस कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। वन और टू को इकट्ठा मिला के पढ़ें। आप बताएं, फौरन खर्चे में डालना है या 5 सालों में खर्चे में डालना है? हाईलाइट की भी बात पढ़ें, क्या समझ आ रहा है? अ पर्सन शेल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर एट द रेट ऑफ 20%। अगर फिर भी कंफ्यूज करिए बात, तो एट द रेट ऑफ 20% आगे लिख सकते हैं आप। तो इसका मतलब यह है कि प्री कमेंसमेंट सेंटर को फौरन खर्चे में डालें या 5 सालों में खर्चे में डालें? 5 सालों में। 3 और 4 हजार दफा पॉइंट पढ़ा हुआ है, अब इसमें मैं क्या पढ़ाऊं? 3 का मतलब बता दें। रेयर सर्कमस्टांसेस नहीं, चपेट पड़ेगी भाई। द टोटल डिडक्शन अलाउड इन द करंट एंड ऑल प्रीवियस ईयर शेल नॉट एक्सीड द एक्सपेंस। असल में इधर कॉस्ट की जगह उसने एक्सपेंस का लफ्ज यूज किया। अगर मैं 200 को नाम दूं एक्सपेंस का और 40 को नाम दूं डिडक्शन का, तो और मैं खड़ा हूं यहां पे, तो मैं क्या कहूंगा? टोटल डिडक्शन अलाउड इन करंट। ओ भाई देख रहे हैं, टोटल डिडक्शन अलाउड इन करंट एंड ऑल प्रीवियस ईयर शेल नॉट बी ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। मजा आया बार लिखा। दो सौ का एक्सपेंस था, द टोटल डिडक्शन अलाउड इन करंट एंड ऑल शेल नॉट बी ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, यानी मैक्सिमम कितना डेप्रिशिएट किया जा सकता है, जितनी उसकी क्या है कॉस्ट है। पॉइंट फोर बता दें क्या? जी बताएं क्या है पॉइंट फोर। इन रेयर सर्कमस्टांस, इन रेयर सर्कमस्टांस टैक्स वाले कह सकते हैं कि नो अमोर्टाइजेशन विल बी अलाउड, अमोर्टाइज मत करो। वेयर फुल एक्सपेंडिचर इज अलाउड इन द ईयर ऑफ इनकरेंस, जिस साल खर्चा हुआ उस साल अगर पूरा ही आपने खर्चे में डाल दिया, तो क्या इसको आप अमोर्टाइज करेंगे? नहीं। तो ये पॉइंट फोर की मिसाल है, फौरन 200 आप खर्चे में डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके खर्चे में डालेंगे, लेकिन ये रेयर सर्कमस्टांस है। पॉइंट फोर, ऐसे टैक्स वाले करते नहीं है, लेकिन अगर कभी करने दें तो फिर ऐसे होगा। क्या अच्छा जी, ये एक लेबोरेटरी है और इस लेबोरेटरी के अंदर कोई साइंसदान मौजूद है। ये लेबोरेटरी है पुराना पाकिस्तान, लाइट भी, तो यहाँ पर सफ़ेद चोगों वाले साइंसदान मौजूद हैं। सफ़ेद लिबास नहीं पहने होते साइंसदानों ने, सफ़ेद कलर के लिबास चोगे टाइप, तो यहाँ पर सफ़ेद लिबास वाले कौन मौजूद हैं? साइंसदान मौजूद हैं।
छोटे बड़े हर किस्म के साइंसदान यहां पाए जा रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो साइंसदान मौजूद हैं लेबोरेटरी के अंदर, क्या इनको तनख्वाहें दी जा रही होंगी इनके कामों की? जी बिल्कुल, इनको इनके कामों की तनख्वाहें दी जा रही होंगी। क्या लैब के अंदर कोई इक्विपमेंट्स भी पड़े होंगे? क्या कभी कभी ये इक्विपमेंट पे मजे में चढ़ के बैठ जाते होंगे? जी बिल्कुल, तो लैब में इक्विपमेंट्स भी पड़े होंगे। अब सवाल ये है कि लेबोरेटरी की जो लैंड है, लेबोरेटरी की जो लैंड है उस पे ये सेक्शन नहीं लगेगा, लेबोरेटरी की जो बिल्डिंग है उस पे ये सेक्शन नहीं लगेगा, लेबोरेटरी में जो इक्विपमेंट है उस पे ये सेक्शन नहीं लगेगा, लेबोरेटरी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है इस इक्विपमेंट के अंदर इंस्टॉल्ड उसके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा। तो फिर लेबोरेटरी के अंदर किन चीजों पर ये सेक्शन लगेगा? मोहतरम, लेबोरेटरी के अंदर जो है वो पंखे भी तो चल रहे होंगे, तो लेबोरेटरी के अंदर जो पंखे चल रहे हैं इनके सरों के पास, वो लेबोरेटरी के अंदर इसका बिजली का बिल भी आ रहा होगा और इन मुलाजमीन की तनख्वाहें भी होंगी। तो इस बबलू की तनख्वाह और इस बिजली का बिल, ये खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत होगी, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप चीजें हैं, यानी डे टू डे के खर्चे हैं। तो बता दें कौन सा सेक्शन डील नहीं करेगा इनको, पहले तो बता दें कौन सी चीजें इस सेक्शन में फॉल नहीं करेंगी। लैंड है, बिल्डिंग है, और कुछ है? तो ये चीजें जो है वो आप अगर कर रहे हैं तो ये खर्चे के तौर पे इस सेक्शन में माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिल्डिंग को डील करता है सेक्शन 22, सॉफ्टवेयर को डील करता है सेक्शन 24, इसलिए वो सेक्शन जला गए। बाकी जो खर्चे हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं और इनकी क्या कहते हैं पंखा है और कुछ है, ये खर्चे आपके माइनस करने की इजाजत है। छोड़े पर ऐसी चीजें नोट क्या करेंगे, घर वाले देख लेंगे। सेक्शन 26, आर डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये करना है आपने, पाकिस्तान में ये करना है, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। और ये रिसर्च किस लिए हो रही है लेबोरेटरी में? कि मेरे घर की जिंदगी अच्छी गुजर जाए, मेरी अजवादी जिंदगी के मसाइल हल हो जाए, इसलिए रिसर्च हो रही है लेबोरेटरी में। किस लिए रिसर्च हो रही है? ताकि मेरे बिजनेस को फायदा हो। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है? इस सेक्शन में साइंटिफिक रिसर्च होती है मींस एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन द फील्ड ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंस। तो नेचुरल अप्लाइड साइंस में फर्क देखना होगा, घर जाकर डिक्शनरी में देख लीजिएगा। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल नॉलेज, ताकि एनिमल्स का नॉलेज बढ़ जाए, ह्यूमन नॉलेज। अच्छा यार, ये जो अगली डेफिनेशन है ना, इसको आपने गौर से समझना है, सारे अटेंटिव हो जाए। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ये जो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर होता है ना, ये एक्सपेंडिचर होता है ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन पाकिस्तान फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो साइंटिफिक रिसर्च खुद कर लेते हैं, यानी खुद बिल्डिंग खोल के साइंटिफिक रिसर्च कर लेते हैं, कुछ में इतना दम नहीं होता, फिर वो तीन चार पांच कॉलेज मिलते हैं और मिलके साइंटिफिक रिसर्च इदारा खोल के सोचते हैं, आज जो बैठे क्यूएम क्यों नहीं बच्चों की पास हो रही, मसला क्या है, साइंटिफिक रिसर्च करो इस पे। तो कुछ लोग साइंटिफिक रिसर्च खुद कर लेते हैं इदारा खोल के, और कुछ साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए इदारा नहीं खोलते, बल्कि सॉरी, कुछ लोग अपनी बिल्डिंग बना के खुद साइंटिफिक रिसर्च शुरू कर लेते हैं, कुछ अपनी बिल्डिंग नहीं बना पाते तो चार पांच लोग मिलकर इदारा बना लेते हैं, उस इदारे को फिर फेडरल बोर्ड से अप्रूव करा लेते हैं। तो दोनों तरीके से रिसर्च माइनस करने की इजाजत है, इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ रिसर्च इदारा। अब हर बंदा अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन डाला होगा थोड़ी थोड़ी। इंक्लूडिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ रिसर्च इदारा एंड द रिसर्च इदारा मीन्स इदारा सर्टिफाइड बाय बोर्ड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन पाकिस्तान। तो अगर आपने खुद बिल्डिंग बनानी है वो भी सही है, खुद बिल्डिंग नहीं बनानी तो तीन चार लोग मिलकर इदारा खोल लें, उस इदारे के अंदर होने वाले खर्चे भी माइनस करने की इजाजत है। अब आने लगी हैं येलो मार्कर से इनकी एक्सेप्शंस, वो जो मैंने आपको बताई हैं। तीन चीजें सेक्शन में फॉल नहीं करती। नंबर वन, एक्यूजिशन ऑफ एनी डेप्रिशिएबल और टेंजिबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट्स का खरीदना तो सेक्शन 22 में जाएगा और इंटेंजिबल्स का खरीदना सेक्शन 24 में जाएगा। एक्यूजिशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी वो जो लैंड आपने लेबोरेटरी वाली है, तो जो लेबोरेटरी की लैंड है उसके ऊपर भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। एंड इन द एंड, ये ऊपर आपको ग्राउंड लेवल नजर आ रहा है और नीचे आपको मट्टी नजर आ रही है एंड तक। ये मट्टी के अंदर जो है नेचुरल डिपॉजिट पड़े हुए हैं, ये मट्टी में क्या पड़े हुए हैं? कुदरती खजाने। आपने शुरू कर दी खुदाई, आपने क्या शुरू कर दी? खुदाई शुरू कर दी।
खुदाई शुरू कर दी, खुदाई शुरू कर दी, खुदाई शुरू कर दी, खुदाई शुरू कर दी, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। आपने कहा यार इधर तो कुछ नहीं मिलेगा, और आप वापस चले गए। ये जो खर्चा है खुदाई का, ये खुदाई का खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है, चाहे ये खजाना मिल जाए या ना मिले, ये कम से कम साइंटिफिक रिसर्च के नाम से माइनस नहीं कर सकते आप। हाँ शायद बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंसेस में आपको ये माइनस करने की इजाजत मिल जाए, लेकिन ये खर्चा इन एनी केस साइंटिफिक रिसर्च की डेफिनेशन से बाहर निकल जाएगा। ये जो मजदूरों को खुदाई के पैसे दिए, एसरटेनिंग द एग्जिस्टेंस, एसरटेनिंग द लोकेशन एंड एसरटेनिंग द क्वालिटी ऑफ व्हाट, ऑफ नेचुरल डिपॉजिट। नेचुरल डिपॉजिट की एग्जिस्टेंस, क्वालिटी या लोकेशन मालूम करने के लिए धड़ाधड़ धड़ाधड़ बिल चला रहे हैं यहां पर खुदाई कर रहे हैं, तो ये खर्चे कम से कम साइंटिफिक रिसर्च के नाम से रिकॉर्ड नहीं होंगे। हाँ और किसी नाम से रिकॉर्ड हो जाए तो वो और बात है, साइंटिफिक रिसर्च के नाम से यह खर्चा माइनस नहीं हो सकता। चलें जी आज की आखिरी बात, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर कुछ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं जहां एम्प्लॉयज रहते हैं, यहीं पर एक स्कूल भी है एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए, यहीं पर एक हॉस्पिटल भी है, और यहीं पर एम्प्लॉयज जो नए आते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो एक ही फैक्ट्री के अंदर, जिसको आप कहते हैं ऑल इन वन या वन इन ऑल, ऑल इन वन, तो ऑल इन वन है ये सब कुछ, वन विंडो, इधर जाएं बच्चों को तालीम भी दिलाएं सब कुछ दिलाएं, बस इस फैक्ट्री में किसी तरह नौकरी मिल जाए आपको, फिर आपके समझ लें मजे ही मजे हैं, ये दुनिया में जन्नत के मजे हैं। ओके और अब सवाल ये राइज होगा कि ये सेक्शन डील करता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज, ये सेक्शन डील करता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज। एम्प्लॉयज को अगर आप ट्रेनिंग करें तो ये खर्चा बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, माइनस करने की इजाजत होगी, और अगर एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए आपने स्कूल खोल दिया या एम्प्लॉयज के इलाज कराने के लिए आपने अस्पताल या छोटी सी क्लिनिक बना दी फैक्ट्री के अंदर, उसके खर्चे भी माइनस करने की इजाजत है। लेकिन अगेन ऑब्वियसली इसकी जो लैंड होगी उसके लिए यह सेक्शन डील नहीं करेगा, इसकी जो बिल्डिंग्स होंगी उनके लिए यह सेक्शन डील नहीं करेगा, लेकिन स्कूल के अंदर जो टीचर पढ़ा रहे होंगे उनकी तनख्वाहें, और हस्पताल के अंदर जो डॉक्टर देख रहे होंगे उनकी तनख्वाहें, और ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो ट्रेनर ट्रेनिंग कर रहे होंगे उनकी तनख्वाहें माइनस करने की इजाजत होगी। वो आपके नॉर्मल खर्चे, बिजली के बिल भी माइनस करने की इजाजत होगी, डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी। समझ आ रही है ना, डे टू डे के खर्चे होते हैं जो रोजाना होते हैं, हर महीने होते हैं। एक होते हैं बड़े बड़े खर्चे, बिल्डिंग खरीदना, ये डे टू डे का खर्चा नहीं है, ये माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए अलग सेक्शन है 22, और अगर सॉफ्टवेयर हैं स्कूल में हॉस्पिटल में ट्रेनिंग सेंटर में को पड़े हुए तो उनके लिए सेक्शन है 24। तो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं ये, सेक्शन 22 और 24 के खर्चों को कहते हैं कैपिटल नेचर के खर्चे। कैपिटल नेचर के खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है सेक्शन में, डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज, तो अ बिजनेसमैन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर एन एक्सपेंडिचर अदर देन कैपिटल, यानी सेक्शन 22 और 24 वाले खर्चों की बात नहीं करा। अ बिजनेसमैन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल इन पाकिस्तान एस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर डिपेंडेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल, इसके खर्चे आपको माइनस करने की जरूरत है। अच्छा ट्रेनिंग दो किस्म की हो सकती है, ट्रेनिंग दो किस्म की हो सकती है, एक ट्रेनिंग हो सकती है आप किसी इदारे में भेज दें, एक हो सकती है आप खुद ट्रेनिंग दे दें। अगर आप किसी इदारे में भेज दें तो भी ट्रेनिंग का खर्चा माइनस करने की इजाजत है, अगर आप खुद ट्रेनर को बुला के ट्रेनिंग दिलवा दें तो भी ट्रेनिंग का खर्चा माइनस करने की इजाजत है। लेकिन अगर आप खुद ट्रेनर को बुलवाते हैं तो इस स्कीम को आपको बोर्ड से अप्रूव कराना पड़ेगा। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, अल्फाज वो जो सर चढ़ के बोले। ओके नहीं, उनको फिर आप अलग करेंगे, ये वो बिजनेस शुरू होने से पहले की हैं और ये बिजनेस के दौरान की होंगी।
ये कल ऑनलाइन एक स्टूडेंट का FAR 2 का मैं पेपर देख रहा था, ये तो माशाल्लाह भाई ने लूटी मचा दी। 65 मार्क्स का पेपर था शायद, तो उसमें से 56.5 मार्क्स इन्होंने लिए हैं FAR 2 के पेपर में, और प्रॉपर इसने जर्नल एंट्रीज की हुई हैं, और फिर ये वर्किंग का रेफरेंस दिया है वर्किंग 1, और फिर ऊपर आके इसने वर्किंग 1 एंट्री के आगे लिखा भी है, और लकीली फिगर्स भी सारी सही हैं, हल्की फुल्की कोई गलतियाँ हुई हैं, एंट्री एक दो इन्होंने गलत की है। ये प्रॉपर इन्होंने कॉलम्स बना के प्रॉपर वर्किंग्स की हैं, MCQs बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने सॉल्व किए हैं, यानी पता चल रहा है कि कौन सी रिक्वायरमेंट का जवाब क्या है, बड़े प्रॉपर ऊपर सरप्राइज बैलेंस शीट नोट फिर नोट का नंबर नाम कमाल तरीके से इन्होंने लेके चले हैं, और लकीली कॉन्सेप्ट्स भी सारे इनके सही हैं यहाँ पे, तो ऐसे भी बच्चे हैं माशाल्लाह। बहरहाल मंडे को ट्यूसडे को आपका टेस्ट मैं इसी तरह किसी बच्चे का क्लास में डिस्कस करूँगा नाम बताए बगैर, लेकिन अगर इस तरह अच्छे मार्क्स वाला हुआ तो फिर तो शायद नाम भी बताया जाए। तो बहरहाल आप ये टेस्ट दें सैटरडे को, फिर इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन करेंगे। ओके, लेकिन आप अगर दूसरी तरफ चले जाएं तो आपको फिर कुछ ऐसे पेपर भी मिलेंगे जिसमें ये फिगर्स प्लस माइनस हो रही हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा ये आ कहाँ से रही हैं, यानी ये इसने वर्किंग्स तो कोई नीचे की हैं लेकिन ये फिगर इसने प्लस की कहाँ से लाया, ये माइनस की कहाँ से लाया, ये प्लस की कहाँ से लाया, कोई पता नहीं चल रहा, जान मार के ढूंढना पड़े कि ये फिगर्स वो कहाँ से ला रहे हैं। बस कोई एक फिगर इसने कैलकुलेट की है शायद 12,500 की, बाकी मुश्किल से ही मिल रही है, पेपर भी छोड़ दिया इसने बस 2 सवाल लेके। तो एक वो लोग भी हैं तीसरे जिन्होंने दिया ही नहीं, वो मैंने भी डिस्कस नहीं किया आपसे, तो मुख्तलिफ किस्म के पाए जा रहे हैं लोग आजकल, देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। सुनने में आ रहा है आप लोगों ने सोचा टेस्ट रूम को ब्लॉक कर देना है, और टेस्ट रूम के अलावा एक और रूम साथ अरेंज करना पड़ेगा, तो इसकी वैसे बता दें अभी से इंशाल्लाह ताकि प्रॉपर प्लानिंग हो जाए, टेस्ट रूम के अलावा रूम कर लेना क्योंकि सबने देना है। यार उस दूसरी क्लास में कौन बैठे भाई मैनेजमेंट का बंदा, यार उनको बता देना ये सैटरडे को टर्म टेस्ट है तो एक और रूम अरेंज करके रखें बैकअप के तौर पर, अगर टेस्ट रूम फुल हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी पढ़ें पॉइंट बी, इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो ये होता है इदारा इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये इदारा ना फेडरल प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट ने बनाया होता है, या बना किसी और ने बनाया किसी और ने होता है, हुकूमत इसे रिकग्नाइज कर देती है, तो या तो किसी इदारे में ट्रेनिंग दिलवा दें, अगर किसी इदारे में ट्रेनिंग आपने नहीं दिलवानी तो फिर आप किसी भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को ट्रेनिंग दिलवा दें जो आपका एम्प्लॉई है, लेकिन वो स्कीम को किससे अप्रूव करवा लें, फेडरल बोर्ड से, ये फिर आप खुद उसे ट्रेनिंग दे रहे होंगे, किसी इदारे के जरिए ट्रेनिंग नहीं दिलवा रहे होंगे, तो हर किस्म की ट्रेनिंग माइनस करने की इजाजत है। ओके, बुरे उधार छोड़ें इसको, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, रजिस्टर निकाल लें, सवाल लिखना शुरू करें। हो सकता है इनाम भी दिया जाए जिसकी अच्छी पोजीशन आए टेस्ट में। अच्छा ये ठीक है, रहने दें जी भाई जनाब, खांसी कर लें एक दफा अच्छी तरह, फिर हम शुरू करते हैं, जो थोड़ी थोड़ी करके आप किस्तों में कर। अच्छा जी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको सवाल में भाई को उठाना पड़ेगा, हाइब्रिड में भी उठा दें, ये भाई भी हैं ऑनलाइन वाले भी उठ जाएं अगर कोई सोया हुआ तो। 1 घंटे का लेक्चर गुजरता था नींद आ जाती थी, बाकी आधा घंटा सो के उठते थे पता चला था लेक्चर खत्म हो चुका हुआ है, जब आप लोग ऑनलाइन लेते थे, लेते लेते लेक्चर सो जाते थे, उठते थे लेक्चर खत्म होता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर जो 10 मिनट में खत्म हो गया। अच्छा अकाउंटिंग के टीचर ने कहा कि सेल है 100 रुपया, अकाउंटिंग के टीचर ने कहा सेल है 100 रुपया, और अकाउंटिंग के टीचर ने आपको कहा कि भाईजान डेप्रिसिएशन निकालें, आपने डेप्रिसिएशन निकाली अकाउंटिंग की क्लास में बैठ के, अकाउंटिंग की क्लास में भाईजान अटेंटिव हो जाएं, अकाउंटिंग की क्लास में आपने डेप्रिसिएशन निकाली स्ट्रेट लाइन मेथड पे, और आपने खरीदने के साल में 50% फैक्टर भी नहीं लगाया, क्योंकि अकाउंटिंग वाले तो 50% फैक्टर भी नहीं लगाते, और अकाउंटिंग के टीचर ने लगवाया भी मिसाल के तौर पर स्ट्रेट लाइन मेथड, नोट करने का बहुत ज्यादा टाइम दिया जाएगा, तो आपने और सेल के साथ इसे जोड़ के ना लिखा कर 100, सफे के एक्सट्रीम राइट बॉटम पर लिखा कर 100। अच्छा
आपने क्या किया, अकाउंटिंग के टीचर ने आपको कहा भाई डेप्रिसिएशन निकालो, आपने 4 रुपए की डेप्रिसिएशन निकाल के उसको माइनस कर दिया। अकाउंटिंग के टीचर ने कहा कि भाईजान लॉस हमें आया है, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के बेचने के ऊपर हमें लॉस आया है, तो वो लॉस था 10 रुपए, वो अकाउंटिंग के टीचर ने आपको 10 रुपए का लॉस जो है वो माइनस करवा दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, कोई कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह नहीं होगी बिजनेस में। अच्छा, इसके बाद अकाउंटिंग के टीचर ने आपको कहा कि भाईजान हमने मुलाजमीन को तनख्वाहें दी हैं, आपने कहा सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, 12 रुपए की हमने मुलाजमीन को तनख्वाहें दी हैं। फिर अकाउंटिंग के टीचर ने कहा कि भाईजान हमने फाइन गवर्नमेंट को पे किया है, आप अकाउंटिंग की क्लास में बैठे हुए थे, आपने कहा फाइन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, तो आपने फाइन एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लिया 2 रुपए का। इसके बाद अकाउंटिंग के टीचर ने आपको कहा कि भाईजान हमने एक एसेट बेचा है, उसके बेचने पे हमें गेन आया है, मिसाल के तौर पे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेचने पे हमें गेन आया 5 का, प्रॉफिट कितना आ गया 77, ठीक है दूसरी क्लास में आया था तो 77 का हमें प्रॉफिट आ गया। ये अकाउंटिंग के टीचर ने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस, ये अकाउंटिंग के टीचर ने क्या बनाया प्रॉफिट एंड लॉस। जब ये अकाउंटिंग के टीचर ने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो फिर आप आ गए टैक्स की क्लास में, जब आप टैक्स की क्लास में आ गए तो टैक्स वाले टीचर ने कहा मोहतरम भाईजन क्या कर रहे हो, खुदा का खौफ करो, होश के नाखून लो, सुने आपने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेस पे निकाली है, हालांकि बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15% वाला रेट और खरीदने के साल में 50% फैक्टर लगता है, ये रूल है, तुम किन रूल्स के मुताबिक डेप्रिसिएशन निकाल के आ गए हो। तो आपने चाहते ना चाहते हुए अपने अकाउंटिंग के टीचर का नाम ले दिया, आपने कहा उन सर ने कहा था। बहरहाल टैक्स के टीचर ने कहा उनसे फड्डा लेते हैं, कोई मसला नहीं, अदर इंफॉर्मेशन मैं आपको देने लगा हूं जो आपको हेल्प आउट करेगी ये जानने के लिए कि अकाउंटिंग के टीचर ने आपके साथ जुल्म कर दिया है। ये चीजें अकाउंटिंग की क्लास में तो शायद सही थी, लेकिन जब टैक्स कैलकुलेट करने की बारी आई तो इन चीजों पर अकाउंटिंग के टीचर वाली बातों पर हमें एतराज होगा। मिसाल के तौर पर टैक्स वाले कहते हैं कि जी हमारी नजर में डेप्रिसिएशन 4 रुपए नहीं है, हमारी नजर में तो डेप्रिसिएशन 3 रुपए है, हमारी नजर में डेप्रिसिएशन कितनी है 3 रुपए है। इसी तरह हमारी नजर के अंदर जो है हमारी नजर के अंदर जो है वो लॉस ऑन बिल्डिंग, हमारी नजर में लॉस ऑन बिल्डिंग ये किनके वाला लॉस होगा, टैक्स वालों का, हमारी नजर में टैक्स लॉस बिल्डिंग के ऊपर जो है वो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कितना है टैक्स लॉस ऑन बिल्डिंग जो है वो 7 रुपए है, हमारी नजर में टैक्स लॉस ऑन बिल्डिंग 7 रुपए है, और हमारी नजर में टैक्स वाले कहते हैं हमारी नजर में टैक्स गेन ऑन फर्नीचर 6 रुपए है, टैक्स गेन ऑन फर्नीचर कितने रुपए 6 रुपए है, ठीक है जी इट्स ओवर, ये न्यूमेरिकल का डाटा जो है वो आपके सामने मैंने लिखना था, ये खत्म हो गया। अब आप मुझे बताएं कि अकाउंटिंग के टीचर ने कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की 4 रुपए, अकाउंटिंग के टीचर ने जो बिल्डिंग का लॉस निकाला होगा वो कंसिडरेशन में से अकाउंटिंग WDV माइनस की होगी टैक्स WDV, नोट करने का इतना टाइम दिया जाएगा, इतना टाइम दिया जाएगा कि मैं 5 दफा फॉल सीलिंग से खेल सकूंगा, इधर अटेंटिव रहें। अकाउंटिंग के टीचर ने कितना लॉस निकाला है बिल्डिंग के ऊपर 10 रुपए निकाले, तो अकाउंटिंग के टीचर ने 10 रुपए का लॉस बिल्डिंग के ऊपर निकाला, ये निकाला होगा डिस्पोजल का टी अकाउंट बना के, डिस्पोजल के टी अकाउंट में एक साइड पे कंसिडरेशन लिखी होगी यानी कैश और दूसरी साइड पे उन्होंने WDV लिखी होगी और एसएफ की WDV दोनों का डिफरेंस लेके गेन लॉस निकाल लिया होगा। और सैलरीज जब मुलाजमीन को हमने पे की होंगी तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और जब फाइन गवर्नमेंट को पे किया होगा तो फाइन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और जो फर्नीचर के ऊपर गेन आया होगा वो गेन जो है अकाउंटिंग के टीचर ने निकलवाया होगा कंसिडरेशन माइनस अकाउंटिंग वालों की WDV, क्लियर। ये अकाउंटिंग वालों ने कैलकुलेशंस कर ली, अकाउंटिंग वालों की नजर में प्रॉफिट है 77। टैक्स वाले आगे बढ़े, उन्होंने कहा पुत्र ना 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 ना, टैक्स वाले ना सारी चीजों पे एतराज नहीं करते, कुछ चीजों पे एतराज करते हैं सिर्फ, ठीक है आप बहुत सारी हरकतें करते हैं, सब पे एतराज नहीं होता, कुछ सही भी करते हैं। अच्छा, तो टैक्स वालों ने कहा भाईजन 4 की जगह 3 डेप्रिसिएशन है, और टैक्स वालों ने कहा 10 के लॉस की जगह 7 का लॉस है, और टैक्स वालों ने कहा 5 के गेन की जगह 6 का गेन है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, पहला तरीका आसान है, वो मैं आपको पहले कराऊंगा, लेकिन उसको आपने कोई नोट नहीं करना, बॉदर नहीं करना, क्योंकि वो तरीका पेपर में रिकमेंडेड नहीं है, जो दूसरा तरीका कराऊंगा वो पेपर में रिकमेंडेड होगा। पहले मैं जरा पहले तरीके से सॉल्व करने लगाऊं, लेकिन वो पहले तरीके से जो सॉल्व करने लगाऊं ऐसे रफ वर्किंग टाइप में सॉल्व करने लगाऊं। सेल टैक्स वाले कहेंगे 100 रुपए की है, शायद हम टैक्स वालों की नजर में ना P&L दोबारा बनाने लगे हैं, सेल टैक्स वाले कहेंगे 100 रुपए की है, और टैक्स वाले कहेंगे डेप्रिसिएशन 4 रुपए की माइनस ना करो, 3 के कर लो माइनस, समझ आ रही, 4 की जगह 3 माइनस कर लो,
फिर टैक्स वाले कहेंगे 10 की जगह ना 10 का लॉस रहने दो, 7 का लॉस माइनस कर लो। फिर टैक्स वाले कहेंगे सैलरीज, हाँ ठीक है सैलरीज आपका नॉर्मल खर्चा है, ठीक है आपने पे कर दी हमें कोई एतराज नहीं, ठीक है सैलरीज आपकी सही है कोई मसला नहीं। बेटा ओ बबलू, फाइन टू गवर्नमेंट तुम लोगों ने माइनस किया, तुम होते कौन हो माइनस करने वाले, कोई फाइन टू गवर्नमेंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। सेक्शन 21 नहीं पढ़ा तुम लोगों ने जिसमें वाजे लिखा हुआ है फाइन टू गवर्नमेंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। अकाउंटिंग वाले सर आप होते कौन है ये माइनस करने वाले अकाउंटिंग की क्लास में, जरा बच्चों को आने तो दें टैक्स की क्लास में। तो टैक्स की क्लास में आए तो इधर अंडा मिला, तो फाइन टू गवर्नमेंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। और टैक्स वालों की नजर में कितना गेन आया, 6, और हमारी नजर में 5, तो टैक्स वाले गेन को क्या करेंगे ऐड कर देंगे ऐड। तो अब बता दें प्रॉफिट क्या आ गया, 84, 78 नहीं, थोड़ा सा मसला है कैलकुलेटर में आपके, मैं चेक कराना क्लास के बाद, 84। ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इसमें मैं कैपिटल गेन प्रॉपर्टी अदर सोर्स सैलरी ऐड करूंगा, टोटल इनकम आ जाएगी, ज़कात माइनस करूंगा, टैक्स इनकम आ जाएगी। सो ये एक तरीका है सवाल सॉल्व करने का, लेकिन इस तरीके के ऊपर अभी हम नहीं रहेंगे, हम सवाल सॉल्व 100 रुपए से करना नहीं शुरू करेंगे, उधर सॉल्यूशन की जगह खाली है, मैं सवाल सॉल्व करना शुरू करूंगा 70 और उल्टा चलूंगा, उल्टा चलूंगा। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, पहले जरा इसको रिवाइज कर लें जो मैं सीधा चलाऊं। टैक्स वाले क्या कह रहे थे, कितने ऑप्शन माइनस कर लो, टैक्स टैक्स वाले, ये तो अकाउंटिंग वालों ने माइनस किया ना, इसका नाम भी सुन लें, अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग वालों का लॉस, अकाउंटिंग वालों का गेन। टैक्स वाले क्या कह रहे थे, कितने ऑप्शन माइनस कर लो, 3। टैक्स वाले कह रहे थे कितना लॉस है, टैक्स वाले कह रहे थे सैलरी सही है कोई नहीं, 12 12 ही लिख लो। टैक्स वाले कह रहे थे फाइन टू गवर्नमेंट माइनस ना करो, टैक्स वाले कह रहे थे कितना गेन रिकॉर्ड करो, 6 का। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी आ गई, 184। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं 5 मिनट, अब मैं आपको 5 मिनट टाइम दे रहा हूं, आपने सॉल्यूशन अपना शुरू करना है, ये भी एक सॉल्यूशन ही है लेकिन इसको मैं लाइन लगा रहा हूं, इसको भी लिफ्ट ना करें। आपने अपना सॉल्यूशन शुरू करना है प्रॉफिट से, कितने से, 77 से, और आपने अकाउंटिंग वाले जो गलत कर चुके हैं, सब कुछ गलत नहीं किया हुआ इन्होंने, मेरे ख्याल से सब कुछ गलत नहीं किया हुआ, सैलरीज तो मुझे सही लगी है माइनस की हुई है, अकाउंटिंग वाले जो गलत कर चुके हैं उसको आपने उलटाना है, उलटाना है, यानी 77 तक 4 माइनस हो गया तो ऐड करना है, अकाउंटिंग वाले जो गलत कर चुके हैं उसे उलटाना है, और टैक्स वाले जो चाह रहे हैं उसे आपने रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग वाले जो गलत कर चुके हैं उसे उलटाना है, और टैक्स वाले जो चाह रहे हैं उसे आपने रिकॉर्ड करना है। इसके लिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, और 50 to 60% बच्चे बिल्कुल सही जवाब निकाल लेते हैं, 50 to 60% बच्चे ट्राई करते हैं और हाथ खड़े करते हैं। 77 कैलकुलेटर पे लिख के कुछ चीजों को आप उल्टाएंगे और कुछ चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। छोड़ नहीं, उसका नंबर नहीं है, पहली दफा टेक्स्ट पढ़े, पहली दफा पढ़े, ट्राई करें हो जाएगा इंशाल्लाह। गुड, वेल डन, नहीं आया हो ना जैसा, जल्दी टर्म टेस्ट का तो बताया था सिलेबस, नहीं समझ लो आधे न्यूमेरिकल होंगे आधी थ्योरी होगी, या थोड़े से ज्यादा न्यूमेरिकल होंगे।
जी भाई, पहले दूसरी क्लास वाले हाथ खड़ा करके बता दें जिनका हो गया। ओके, जवाब 84 ही आ रहा होगा। इस क्लास वाले हाथ खड़ा कर दें जिनका हो गया। गुड, बाकी इधर ट्राई करें बाकी आधे बच्चे। फिगर्स लिख लें, फिर देख लीजिएगा कौन सी फिगर आपने गलत लिखी है। कोई एक दो फिगर गलत होगी, ज़्यादा नहीं होंगी इंशाल्लाह। जी ये भी लिखना, बस ये सवाल है। यहाँ 77 से शुरू करके आपने सॉल्व करना है। ये तो आपके समझने के लिए कोई और तरीका था ना, इसको तो इग्नोर करें। इस लाइन के इधर ना देखें, अच्छा जी। नाउ माय स्टार्टिंग पॉइंट इज 100 और स्टार्टिंग पॉइंट इज 77। 77 जिन हजरात जो हजरात FAR 2 पढ़े हैं उनको तो 15 से 20 सेकंड लगाने चाहिए थे इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि इस चार को मैंने उल्टाना है और इसकी जगह 3 के खर्चे को रिकॉर्ड करना है। इस चार को उल्टाना है, इसकी जगह 3 के खर्चे को रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग वालों के लॉस को उल्टाना है और टैक्स वालों के लॉस को रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग वालों ने सैलरीज माइनस कर ली, टैक्स वालों ने कहा तुमने 77 तक पहुंचते हुए 12 की सैलरीज माइनस कर ली, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, क्या करूंगा अभी समय। अम्मी आके कहें बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। जी अम्मी मैं दोबारा करके आता हूं, चुप। और जिस चाचू ने 77 में से 12 माइनस या ऐड कर दिया दोबारा, वो पता नहीं क्या करना चाह रहा है, कुछ भी नहीं करना। अकाउंटिंग वालों ने कहा हमने 12 की सैलरीज खर्चे में डाल दी, टैक्स वालों ने थोड़ा सोच के बोला अच्छा किया तुमने, खर्चा बनता तुम्हारा, क्या करें अब, क्या करें, क्या करें, क्या करें, छोड़ दें। आखिरी दफा मैं बोल रहा हूं, अकाउंटिंग वालों ने 12 की सैलरीज रिकॉर्ड कर दी, खर्चे में डाल दी, टैक्स वालों ने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, सैलरीज होती खर्चा है, क्या करें इसको, इग्नोर, इसको इग्नोर कर दें। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने उत्तरी खैर बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, तुम्हें तो बंदा चपेड़े मारे, तो खुदा का खौफ करो, तुम गवर्नमेंट को जो फाइन पे कर रहे हो उसको माइनस कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फाइन को माइनस करने की। हमने डरते डरते उल्टा दें, हाँ हाँ उल्टाओ जल्दी करो, तो इसको हम उल्टा देंगे फाइन टू गवर्नमेंट। ओके, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने गेन को एड कर लिया है, टैक्स वाले कहेंगे पुत्र ये वाला गेन उल्टा, गेन तो हमारे वाला, अब तेरी नहीं चलेगी मेरी चलेगी। टैक्स वालों ने कहा इस गेन को रिकॉर्ड करो, अब ये मार्कर आपने कैच करने हैं, अगला तुमने करना था। अच्छा, एक दो तीन चार, चार बातें मैं करने लगा हूं। खर्चों को उल्टाने के लिए ऐड किया करेंगे और खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए लेस किया करेंगे। इनकम्स को उल्टाने के लिए लेस, इनकम्स को उल्टाने के लिए माइनस किया करेंगे और इनकम्स को रिकॉर्ड करने के लिए ऐड किया करेंगे। तो ये चार बातें होंगी, चार बातें, बस ये चार बातें पूरे बिजनेस के न्यूमेरिकल्स की बुनियाद है।
खर्चों को उल्टाने के लिए ऐड किया करेंगे, माइनस हो गया ना, इसको ऐड बैक का लफ्ज़ भी बोला जाता है। खर्चों को उल्टाने के लिए ऐड करेंगे, इनकम को उल्टाने के लिए, ये बातें हमने इतनी दफा बोली हैं आपको ख्वाब में आया करेंगी, ये चार बातें हम रोजाना इंशाल्लाह बोला करेंगे। इनकम्स को उल्टाने के लिए, टैक्स वालों के खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए लेस किया करेंगे, और गेन रिकॉर्ड करने के लिए ऐड किया करेंगे। चलिए जी, ऐड लेस। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा कर टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। बॉल पॉइंट निकालो मुझसे। अच्छा, अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा कर, अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा कर, असद अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अकाउंटिंग वालों का नहीं है, नहीं है बलि, वैसे ही गायबाना बात कर रहा हूं उससे, मेरा उसमें जरा एक, अच्छा, अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा कर टैक्स वालों का लॉस माइनस कर दें। हमने सैलरीज माइनस कर दी थी, टैक्स वालों ने थोड़ा सोच कर कहा हाँ अच्छा किया तुमने माइनस कर ली, बहुत अच्छा किया, क्या करें हम, चलो आगे चेक के रखो। अच्छा, इन्हें सोच के बोलते हैं टैक्स वाले, टाइम लग जाए। अच्छा, अकाउंटिंग वालों ने फाइन, टैक्स वालों को तुम होते कौन, फाइन माइनस, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती तुम्हें, फाइन माइनस करो, ठहर जो, क्या 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 ऐड ही करना है ना, जान तो नहीं लेनी वाली, फाइन टू कमेंट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्ट उल्टाना है, गेन उल्टाना है, गेन उल्टाना है, गेन उल्टाना है। टैक्स वालों का गेन गेन रिकॉर्ड करना है, टैक्स वालों का गेन क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, एंड पर टोटल करना नहीं भूलना। कितना जी, 84। सीधे चले या पुठे चले, मंजिल तो सेल से भी चल के सवाल सॉल्व हो सकता है, प्रॉफिट से भी चल के सवाल सॉल्व हो सकता है। कितने लोगों को ये आसान लगा, कितने लोगों को ये भी आसान लगा, मजा आया इधर, इधर मजा आया, ये तो कोई हो। तो अब हम किसी दिन डिस्कस करेंगे पेपर में कि किस तरीके से करना है, लेकिन अगले 7-8 दिन तक मैं सिर्फ इसी तरीके से सवाल सॉल्व करवाया करूंगा। ये 7-8 दिन बाद कोई न्यूमेरिकल पकड़ लेंगे, इस तरह भी सॉल्व करके देख लेंगे, हम हमेशा प्रॉफिट से चला करेंगे। तो चार सुनहरी असूल जो अगर लामा इकबाल कायदे आजम होते तो क्या बताते, अकाउंटिंग वाले खर्चों को उल्टाना है और टैक्स वाले खर्चों को माइनस करना है, और उल्टाने के लिए अकाउंटिंग वाले खर्चे क्या करेंगे, ऐड। अकाउंटिंग वालों के गेन को लेस करना है और टैक्स वालों के गेन को ऐड करना है। अब साथ वाले की आंखों में चमक देख लें, ये बात सुन के जो आई है, इस तरह की बातें ना किया करो जिससे बच्चे जो है वो डिफरेंट साइड पे जाएं, आइंदा ऐसे ना मत किया करो, हर जगह ना हौसला अफजाई की बातें किया करो, कोई बंदा बेचारा मरने वाला हो तुम मारे एक बारी होती है, तो हौसला अफजाई कहते हैं, जब इंसान मरने वाला हो उसकी हौसला अफजाई किया करें, और जब जिंदा हो तो उसको हल्का फुल्का डराते रहा करें, खौफ और उम्मीद के दरमियान जिंदगी गुजारने का ये मतलब है कि जब मरने वाला उसे उम्मीद दिलाएं, और जब अभी हालात उसके सही हैं माशाल्लाह उसे खौफ दिलाते रहें। ओके, कि एक नमाज छोड़ने वाला अल्लाह से इस साल में मिलेगा, अल्लाह उससे नाराज होंगे, सिर्फ एक छोड़ने वाला। चलें जी, अब न्यूमेरिकल का फॉर्मेट क्या बना,
मैं ऐसी कुछ सफ़ा खाली ढूंढ रहा हूँ, वहाँ खाली ढूंढ के लिख देते हैं। चलो कोई भी जगह ढूंढ लेते हैं। अच्छा हम इनकम फ्रॉम बिजनेस जब कैलकुलेट किया करेंगे तो भाई ये लिखा जा रहा था, आप शो क्यों नहीं हो रहे थे? इनकम फ्रॉम बिजनेस जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टार्ट किया करेंगे नेट प्रॉफिट से। कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे और कुछ चीज़ें हम लेस करेंगे। ओ भाई सब 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 अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल्स की ऐड करके टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे और इनिशियल अलाउंस भी माइनस करेंगे। तो अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन ऐड करके, क्योंकि माइनस हो चुकी नहीं है ना, टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन, टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन, टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस माइनस करेंगे। थोड़ी देर इधर मुतवज्जे रहें, व्हाइट बोर्ड इंशाल्लाह अपने साथ ले जाइएगा या पिक्चर ले लीजिएगा, थोड़ी देर इधर मुतवज्जे रहें। अच्छा चले कर ले नोट जो लोग कर रहे हैं, कर दो यार उधर कैमरा। चलो आ जाओ। अच्छा मैं ये बात कर रहा था, वो पाइजन होते चट दे तेरी मेहरबानी। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन ऐड करके टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे और टैक्स वालों के इनिशियल अलाउंस भी माइनस करेंगे, क्योंकि इनिशियल अलाउंस का कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग की क्लास में नहीं है। अकाउंटिंग के टीचर के मुंह से इंशाल्लाह एफ आर वन में पूरे सेशन में इनिशियल अलाउंस नहीं निकलेगा, अगर उनके मुंह से कभी इनिशियल अलाउंस निकल गया तो गलती से निकलेगा ना, निकल ही जाएगी। अच्छा जी तो इनिशियल अलाउंस क्लास सिर्फ एफ आर वन के लिए, इनिशियल अलाउंस क्लास सिर्फ टैक्स वालों के लिए खास है। अकाउंटिंग वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल एड हो जाएगा और टैक्स वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अकाउंटिंग वालों का जो गेन है, अकाउंटिंग वालों का गेन लेस हो जाएगा और अकाउंटिंग वालों का गेन लेस हो जाएगा और टैक्स वालों का गेन एड हो जाएगा। और कुछ चीजें हैं जिसका सिंगल इंपैक्ट होगा, यानी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा एडलेस में। फाइन टू गवर्नमेंट अकाउंटिंग के सर ने माइनस करा दिया होगा, हम ऐड कर देंगे। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड या पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड के पैसे अकाउंटिंग वालों ने माइनस करा दिए होंगे, हम अनअप्रूव्ड होने की वजह से ऐड कर देंगे। आज तो मैंने सैलरीज को इग्नोर किया है क्योंकि सैलरीज के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ था, तो शायद सैलरीज जो है टैक्स काट के दी गई थी। लेकिन अगर सैलरीज विदाउट टैक्स डिडक्शन हुई तो भी इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में ऐड कर देंगे, कि सैलरीज पे टैक्स काटना एम्प्लॉयर भूल गया था तो हम एम्प्लॉयर को कहेंगे तुम होते कौन हो ये सैलरी पे करने वाले, तो ये सैलरी तुम्हें क्या हो जाएगी, डिसअलाउ। इसी तरह कोई ऐसा अकाउंट हेड जिसका साल का टोटल 2,50,000 से ज्यादा है और उसमें इंडिविजुअल खर्चा 25,000 से ज्यादा है और वो भी कैश में पे हो गया तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड। इसी तरह अगर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो है उसमें आपने इफेक्टिव अरेंजमेंट नहीं किए टैक्स काटने के तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड। तो इसी तरह बहुत एक लंबी लिस्ट थी। इंटरटेनमेंट अगर लिमिट्स क्रॉस कर रही हो तो वो भी अकाउंटिंग वालों ने लेस कर दी होगी, हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये तो भाईजन जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं ये तो ना खत्म होने वाली लिस्ट है, ये तो जितनी मर्जी लंबी लिस्ट बना लें, इसमें जाके आप सेक्शन 21 पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 21 के अंदर एक ना खत्म होने वाली लिस्ट दी हुई है उन खर्चों की जो माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो जो सेक्शन 21 के खर्चे हैं ना, सेक्शन 21 बड़ा बला है। जब सेक्शन 21 लगता है ना तो टैक्स पेयर की थोड़ी 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 चीखें निकलना शुरू होती हैं और एकदम एक कमरा चीखों से भर जाता है पूरा, क्योंकि सेक्शन 21 चीजों को बढ़ाता है और उसकी इनकम आसमानों पे पहुंचती है और वो जमीन पे रहते हुए भी आसमानों पे पहुंच जाता है और वो बेचारा कहता है मेरी इनकम बढ़ गई, मेरा टैक्स बढ़ गया।
तो सेक्शन 21 तो बला है, बला, बिल्ला नहीं, बिल्ले का क्या लेवल है उसके सामने। तो सेक्शन 21 तो बला है, साथ वाले को मुस्कुरा के बता दें सेक्शन 21 बला है, कान में उसके। इसी तरह दोस्ती बनती है। आज पहली दफा मिला है, पहली दफा बैठा है आपके साथ, देखें उसकी तरफ, खुदा के लिए देखें, ये बैरियर तोड़ दें, सलाम लें, मिलें जुलें, लेकिन इतनी दोस्ती ना लगाएं कि लाइब्रेरी में वो भी बैठा हो, आप भी बैठे हो, कभी वो आपको खाने के लिए लेके जा रहे हैं, कभी वो आपको 40,000 चाय पिए हैं, कभी वो आपको कह रहे हैं ये सवाल मुझे समझा दें, तो भाई एक ही दफा ऐसी सूरत में ना बुरा बन जाया करें। तो कह रहे यार मैंने ना इस दफा पेपर निकालना है, आप जाएंगे जो बोले, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जितना भी आपको जिगरी दोस्त है ना, एक ही दफा उसके सामने बुरा बन जाए। रोजाना रोजाना जो बुरा बनते हैं ना, कभी उसके साथ मुरब्बत में इधर जा रहे होते हैं, कभी मुरब्बत में उधर जा रहे होते हैं, कभी मुरब्बत में उसको घंटा दे रहे होते हैं, कभी 1.5 घंटा दे रहे होते हैं, कभी वो ज्यादा 2 दिन छुट्टी कर लेते हैं, उसको बैठ के समझा रहे होते हैं, आपका रगड़ा लग रहा होता है। तो एक ही दफा दोस्तों के सामने जो भी है बुरा बन जाए, रोजाना जाना बुरा बनने से बेहतर है। उसे तारे भाई मैं जरा इसमें पास करने, आप चाय पिए जाए, ठीक है यार, बंद कर दो।